जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी आप जी का। गुरु जी, आपके हुक्म से शिव पुराण पढ़कर संगत तक पहुंचाने की सेवा आप जो ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, वाहे गुरु जी, ओम नमो शिवाय, शुक्राना गुरु जी। अब अगला अध्याय शुरू। पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। तदनंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। आहिनक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्या उपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनक आदि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें, अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें, तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें, फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना लें और विदोक्त मार्ग से धीरे धीरे पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़कें। इसके बाद भू रसी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें, फिर आपो आसमान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंध, स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमः शंभवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नील ग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतत्तय रुद्राव संग इस मंत्र से रमणीय आसन दे। मा नो महांतम इस मंत्र से आवाहन करें, या ते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें, यामिषु इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें, अध्यवोचत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें, असो यस्ताम्रो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें, असो यो वसरपति इस मंत्र से उपसर्पण देवता के समीप गमन करें। इसके बाद नमोस्तु नील ग्रीवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद्य समर्पित करें, रुद्र गायत्री से अर्ध्य दें, त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराएं, पय पृथ्वीयाम इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं, दधि क्रावणों इस मंत्र से दधि स्नान कराएं, घृतम घृत पावा इस मंत्र से घृत स्नान कराएं, मधुवाता मधु नक्तम मधु मानो इन तीन ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान कराएं। इन दुग्ध आदि पांच वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं।
अथवा पाद्य समर्पण के लिए कहे गए नमोस्तु नीलग्रीवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। तदनंतर मां नस्तो के इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध करधनि अर्पित करें। धृष्णवे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण कराएं। या ते हेति इत्यादि चार ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करें। इसके बाद नमः श्वभये इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाए। नमस्तक्षभयो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करें। नमः प्रायाय इस मंत्र से फूल चढ़ाएं। नमः प्रणाय इस मंत्र से बिल्वपत्र समर्पण करें। नमः कपर्दिने च इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दें। नमः आशवे इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करें। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबक मंत्र से आचमन कराएं। इमा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करें। फिर नमो वृजाय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दें। तदनंतर मानो महांतमा तथा मानस्तो के इन पूर्वोक्त दो मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हृदय गर्भ इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाएं। देवस्य त्वा इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। दीप के लिए बताए हुए नम आश्वे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना आरती करें। तत्पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करें। मानो महांतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करें। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मां नस्तों के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। एष्टे इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें। यतो यतः इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोभे इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें अथवा वेदज्ञ पुरुष शत्रुरुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करें। तदनंतर देवा गातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया। महर्षियों अब संक्षेप से भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सधो जातं इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आएं। वाम देवाय इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आवाहन करें। तदनंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करें। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशि मौलिने। इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करें। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली है, मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर महेश्वर शंभु शूलपाणी पिना क्रधक शिव पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराये नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश
ईश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें, फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें, तत्पश्चात ओम शूल पाणय नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें, ओम पिनाक धृषे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं, ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें, फिर ओम पशुपतये नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम के आदि में ओंकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडक्षर मंत्र से अंगन्यास और करन्यास की विधि बलिभांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई हैं, सनक सनंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और भी उद्वासित हो उठा है। उनके चार हाथों में क्रमशः परशु मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित हैं। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज कारण रूप हैं तथा सब का समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके पांच मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में तीन तीन नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। विप्रवरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करें तथा शतरुद्रीय यजु 16वें अध्याय के मंत्रों का पाठ करें। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है, यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। कृपा कीजिए शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। महादेव, सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ? महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ और आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुनय, इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभु देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदनंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करें, फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करें। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करें, फिर आदरपूर्वक विज्ञप्ति करें और उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई, वह भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना गुरु जी। अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी आप जी का। गुरु जी, आपके हुक्म से शिव पुराण पढ़कर संगत तक पहुंचाने की सेवा आप जो ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आप जी का। गुरु जी, आपकी आज्ञा से आपके सामने बैठकर शिव जी महाराज, गुरु ग्रंथ साहिब जी, मेरे प्यारे गुरु जी के सामने बैठकर शिव पुराण की स्तुति करने जा रही हूँ। और गुरु जी, इसे संगत तक पहुँचाने का काम आपका है। लख लख शुक्राना, आपने मुझे इस लायक समझा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पार्थिव पूजा की महिमा, शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय तथा बिल्व का महात्म्य। तदनंतर ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन करके सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग तीन प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम, जो चार अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह तीन प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम संकर कोई भी क्यों ना हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदरपूर्वक शिवलिंग की पूजा करें। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। ददीची और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे गए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी आठ मूर्तियों का भी वहीं पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की आठ मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करें। तदनंतर चंदन, अक्षत और बिलपत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्ति मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय स्त्रोत का, नाना प्रकार की स्तुतियों का, शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदरपूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो, उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी ना बैठें, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वाम अंग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजन को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठ भाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिणा दिशा ही ग्राह्य है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिणा दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठें और पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए
कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बिल्व पत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करें, इनके बिना नहीं। मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, मुने हमने पहले से ये बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए, इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है ये बताइए, साथ ही बिल्व का महात्म्य भी प्रकट कीजिए। सूची ने कहा, मुनियों आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको शतशत धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करें। भगवान शिव का नैवेद्य अग्राह्य है, इस भावना को मन से निकाल दें। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं, उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। आए हुए शिव नैवेद्य को जो ये कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूँगा, लेने में विलम्ब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बन जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करें। और परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त हैं और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहाँ से शाल ग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न लिंग में, रसलिंग, पार्दलिंग में, पाषाण, रजत तथा सुवर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चांद्रायन व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्माल्य हो उसे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहाँ के शिव निर्माल्य का सभी को भक्तिपूर्वक भोजन करना चाहिए। बाण लिंग, नर्मदेश्वर, लोह निर्मित, स्वर्ण आदि धातुमय लिंग, सिद्धलिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित हैं, वे लिंग, स्वयंभू लिंग, इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं, मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, फल और जल आग्रह है, वह सब भी शाल ग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह अग्राह्य है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिवजी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया। अब तुम लोग सावधान हो, आदर पूर्वक बिल्व का महात्म्य सुनो। यह बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है, देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है, तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्य आत्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बिल्व की जड़ से परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संतति बढ़ती है।
जो बिल्व की जड़ के समीप आदरपूर्वक दीपावली जलाकर रखता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थाम कर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता और उनसे उस बिल्व की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्तिपूर्वक भोजन कराता है उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया। यह प्रवृत्ति मार्गी तथा निवृत्ति मार्गी पूजकों के भेद से दो प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करें और अभिषेक के अंत में अघनी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दें। निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ भरी शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित